एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस सिंगल ट्रस के सेटअप के बारे में, जो यहाँ पर मैं आपको इसके पूरे पूरे सेटअप का भी डिटेल्स बताऊंगा और इसकी मैं लास्ट में आपको प्राइस भी बताऊंगा कि ये पूरा पूरा सेटअप कितने में पड़ जाएगा। हमारे यहाँ पर एक थीम पर यहाँ पर ये सेटअप लगाया गया है, जो बैकग्राउंड आप यहाँ पर वर्माला का कॉन्सेप्ट देख सकते हो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पूरा पूरे सिंगल ट्रस के वायरिंग, कौन से टॉप यूज किए, कौन से बेस लगाए हैं और बेस के लिए और टॉप के लिए कौन कौन से एम्पलीफायर यहाँ पर यूज की है, और सिंगल ट्रस के लिए मैंने कौन सी यहाँ पर सार्वी लाइट यूज की गई है और कौन सी यहाँ पर पार लाइट है, और उनके लिए यहाँ पर कौन से मिक्सर्स यूज किए गए, और पूरे फुल कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। सो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे सिंगल ट्रस से। सो गाइस, हमारी सिंगल ट्रस है वो यहाँ पर 20 फीट हाइट है और 30 फुट लंबाई, यानी 20x30 की सिंगल ट्रस लगाई गई है। यहाँ पर अब पार लाइट की बात करें गाइस, तो यहाँ पर टोटल 12 पार लाइट को यूज किया गया है, और सार्पी लाइट की बात करें तो यहाँ पर 4 सार्पी लगाई गई है। अब गाइस, पार लाइट की बात करें तो यहाँ पर पार लाइट वो LBT कंपनी की यहाँ पर यूज की गई है, जो स्टेज प्रोग्राम के लिए काफ़ी अच्छी पार लाइट मानी जाती है। और सार्पी की बात करें तो यहाँ पर जिया की 7R सार्पी यूज की गई है। तो गाइस, ये हो गई हमारी ट्रस कंप्लीट। अब गाइस, बात करते हैं हमारे साउंड की तरफ से। साउंड के अंदर मैंने यहाँ पर 4 टॉप लगाए गए हैं और यहाँ पर 2 डुअल बेस लगाए गए हैं। अब बात करते हैं टॉप की, तो यहाँ पर टॉप में हमने 600 वाट के POW की स्पीकर है और 100 वाट की HF ली गई है चारों टॉपों में। और बात करते हैं फिर बेस की। सो गाइस, बेस के अंदर हमने यहाँ पर POW के चैलेंजर सीरीज का 1000 वाट का बेस लगाया गया है, और यहाँ पर दोनों डुअल बेस हैं। अब गाइस, चलते हैं हमारे कंसोल की तरफ। तो यहाँ पर गाइस, आपको हमारा कंसोल देखने को मिल जाता है। पूरे के पूरे सेटअप के लिए यहाँ पर टोटल 4 एम्पलीफायर यूज की गई है, एक यहाँ पर यामा का मिक्सर भी लिया गया है। गाइस, लाइटिंग के लिए जो हमने यहाँ पर मिक्सर लिया है वो यहाँ पर DMX 1024, जो स्टेज लाइटिंग के लिए बेस्ट मिक्सर है। और उसके साथ ही हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा में यहाँ पर हमने 2 DMX 512 भी साथ में लिए है, पता नहीं किस टाइम जरूरत पड़ भी सकती है इसलिए। सो गाइस, साउंड के मिक्सर की बात करते हैं, तो साउंड के मिक्सर के लिए हमने यहाँ पर लिया है यामा का MG 166, जो यहाँ पर 16 सेना का प्रोफेशनल मिक्सर है। अब गाइस, बात करते हैं हमारे एम्पलीफायर की तरफ से। सो गाइस, यहाँ पर हमने टोटल 4 एम्पलीफायर लिए। यहाँ पर एक एम्पलीफायर स्टूडियो मास्टर की है, एक डायनाटेक की है, एक बैरेंजर की भी है, और हमारी एक QSC की भी है। एक यहाँ पर हमने कॉलेक्स माइक भी यूज किया गया है। अब गाइस, सबसे पहले बात करते हैं बेस के लिए एम्पलीफायर की। तो यहाँ पर बेस के लिए हमने डायनाटेक के 5000 वाट के एम्पलीफायर है वो यहाँ पर ली है। और फिर बात करें टॉप के लिए, तो यहाँ पर टॉप के लिए एक हमारी स्टूडियो मास्टर की PA 3000 है, और दूसरी हमारी QSC की 4050 और 4000 वाट की एम्पलीफायर है। एक हमने यहाँ पर ली है बैरेंजर की 6000 वाट की 4 चैनल एम्पलीफायर, उस पर हमने दिए है स्टेज मॉनिटर। सो गाइस, अब बात करें हमारे यहाँ पर माइक की, तो यहाँ पर हमने माइक लिया है वो यहाँ पर है एरोंस की तरफ से माइक। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सेटअप कंप्लीट, और हमारे वायरिंग भी पूरी पूरी आप यहाँ पर देख सकते हो। मिक्सर से आउटपुट लिया गया है सीधे बेस के एम्पलीफायर में से, बेस के एम्पलीफायर में से सीधा आउटपुट दिया है स्टूडियो मास्टर में, और स्टूडियो मास्टर से हमने दे दिया QSC में, और QSC से हमने आउटपुट दे दिया बैरेंजर पर, और यहाँ पर हमने एक माइक के लिए भी आउटपुट निकाल दिया है। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे सेटअप के प्राइस की। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी ट्रस से। तो यहाँ पर आपको ट्रस है वो 20x30 की ट्रस वो यहाँ पर आपको 40 से 45 हज़ार रुपये में मिल जाती है। गाइस, बात करते हैं हमारे ट्रस के लिए पार लाइट की। तो यहाँ पर मैंने टोटल 12 पार लाइट यूज की है, और यहाँ पर LBT की इस पार लाइट की मार्केट प्राइस है वो है एक पीस का 12000 रुपये है। तो यहाँ पर आप अपने ट्रस के लिए कितनी लेते हो वो आप अनुमान लगा सकते हो, एक पीस का 12000 रुपये प्राइस है। अब गाइस, बात करते हैं हमें सार्पी लाइट के प्राइस की। तो यहाँ पर गाइस आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जिया की 7R सार्पी लाइट मैंने यूज की है, और यहाँ पर इस सार्पी लाइट के एक पेयर की प्राइस है वहाँ पर 50000 है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 2 पेयर यूज किए हैं। गाइस, बात करते हैं हमारे लाइटिंग का मिक्सर की। तो यहाँ पर मैंने लाइटिंग के लिए DMX 1024 मिक्सर यूज किया है, इसकी मार्केट प्राइस जो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच से आपको मार्केट में मिल जाता है।
फिर गाइस हमारे साउंड के सेटअप की बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं चार टॉप की। तो यहां पर आपको चार टॉप है वो यहां पर मार्केट के अंदर आपको 1,80,000 रुपए में कंप्लीटली टॉप मिल जाएंगे। फिर गाइस बेस की बात करते हैं, तो यहां पर मैंने पियोडियो के 1000 वाट का बेस यूज किया है और इनकी मार्केट की प्राइस है वो यहां पर आपको 76,000 से 80,000 रुपए के अंदर दोनों डुअल बेस मिल जाते हैं। फिर गाइस बात करते हैं हमारे साउंड के लिए मिक्सर की, तो यहाँ पर मैंने यामा का MG-166 यूज किया है। इसका मार्केट की प्राइस है वो यहाँ पर 16,000 से 20,000 के बीच में आपको मार्केट में मिल जाता है। फिर गाइस बात करते हैं हमारे एम्पलीफायर्स की, तो यहाँ पर बेस के लिए हमारे जो एम्पलीफायर लिए वो डायनाटेक का 5000 वाट है, ये आपको मार्केट के अंदर 40,000 रुपये तक मिल जाएगा। फिर हमारे टॉप के लिए जो एम्पलीफायर है स्टूडियो मास्टर की PA-3 और QAC की 4050, ये दोनों एम्पलीफायर आपको 60,000 से 65,000 के बीच में मिल जाएगी दोनों एम्पलीफायर। फिर यहाँ पर माइक की बात करें, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अराउंड का माइक यूज किया है, तो यहाँ पर माइक आपको मार्केट के अंदर 6,000 रुपये में आपको कॉर्टेक्स माइक मिल जाएगा। गाइस बात करते हैं हमारे चौथी एम्पलीफायर की जो है बैरेंजर की। यहाँ पर इस सेटअप में मैं उस एम्पलीफायर को सिर्फ मॉनिटर के लिए यूज किया है, फिर भी आप उसको माने तो यहाँ पर वो आपको मार्केट के अंदर 40,000 रुपये में मिल जाएगी। और हमारे मॉनिटर की बात करें तो आपको मार्केट के अंदर एक पेयर है वो 15,000 में मिल जाएगा, यानी दो मॉनिटर आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगा। सो गाइज हमारा टोटल हमारा ये सेटअप है पूरा ट्रस्ट बेस्ड साउंड का सेटअप है, ये हमारा कम्प्लीटली 7,20,000 रुपये में कम्प्लीटली मिल जाएगा। सो गाइज हमारा हो गया ये सेटअप कम्प्लीट। गाइज बात कर रहे हैं यहाँ पर एम्पलीफायर की, तो यहाँ पर गाइज मैंने यहाँ पर बैरेंजर की एक एम्पलीफायर यहाँ पर एक्स्ट्रा रखी है, क्योंकि गाइज हम इतना सेटअप चला रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक एम्पलीफायर का एक्स्ट्रा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर मैंने बैरेंजर की एम्पलीफायर का चयन किया है। सो गाइज क्योंकि बैरेंजर की यहाँ पर एम्पलीफायर है वो हमको 4 चैनल के अंदर मिल जाती है। बाय द वे आप अगर आपकी कोई भी एक एम्पलीफायर प्रॉब्लम में आ जाती है, चाहे वो टॉप के लिए हो या बेस के लिए हो, तो यहाँ पर आपके उस एम्पलीफायर में से 2 चैनल तो गए, उसकी जगह आप यहाँ पर बैरेंजर की इस एम्पलीफायर को उस एम्पलीफायर की रिकवरी के लिए यहाँ पर ले सकते हो। तो यहाँ पर गाइज इतने बड़े सेटअप के लिए आपके पास एक एम्पलीफायर का एक्स्ट्रा होना जरूरी है। और गाइस यहाँ पर बात करते हैं लाइटिंग मिक्सर की, तो उसके लिए भी आपके पास एक एक्स्ट्रा मिक्सर होना जरूरी है, चाहे आप DMX-512 क्यों ना रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी टाइम में लाइटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ गई मिक्सर द्वारा, तो उसको हैंडल करने के लिए आपके पास मिक्सर होना जरूरी है। इसलिए आप इतने बड़े सेटअप रख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक एम्पलीफायर और एक मिक्सर आपको एक्स्ट्रा रखना जरूरी है। अब गाइस ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप है वो कम्प्लीटली आपको लगभग 7,20,000 का है, तो कम्प्लीटली यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, तो आपको 7,00,000 तक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने कनेक्शन के लिए वायर का यहाँ पर आपको नहीं जोड़ा, उसका चार्ज आपका अलग से लगेगा। यहाँ पर ट्रस के कनेक्शन की बात करें या फिर ट्रस के साथ लाइट के लिए XLR या फिर पार लाइट के लिए XLR की बात करें, उसका खर्चा अलग से है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, मैंने इसके अंदर वो शामिल नहीं किया है। सो गाइस ये है हमारा आज का पूरे का पूरा सेटअप। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, और हमें आप कमेंट करके बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है।